सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड फाइनली आ चुके एक और न्यू वीडियो के साथ में। तो गाइज, आज की जो गेम प्ले वीडियो है ना भाई, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। लेकिन उस सबसे पहले भाई मैं आप सभी को थैंक्स बोल देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी जो 200 के सब्सक्राइबर्स हैं वो जस्ट भाई आज के आज में ही पूरे हो चुके हैं। एंड भाई आप लोगों से मैंने आई गेस प्रॉमिस किया था कि यार मैं जो है फेस रिवील वाली वीडियो या फिर Q&A वाली वीडियो जल्दी डालने वाला हूँ। बाकी गाइस अगर गेम प्ले की बात करें ना, तो ये जो बंदा है ना भाई, ये जस्ट अभी अभी उतरा ही था। लाइक मेरे पास अगर गन नहीं होती ना तो ये डेफिनेटली मुझे मार देता, क्योंकि यार मेरे साथ हर मैच में ऐसा होता है लिटरली कि आगे वाले एनिमी को तो गन मिल जाती है, लेकिन मैं भाई पूरी जो है ना बिल्डिंग भी खोज मारूंगा ना तो भी मुझे गन नहीं मिलने वाली वहाँ पे। ऐसा भाई आई एम श्योर आप में से भी बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा, बट आज कुछ किस्मत मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। यहाँ पे बैरल भी मुझे मिल चुकी है एंड मेरे पास ऑलरेडी स्टारल हो चुकी है। बाकी इस बॉट को मैं मार लेता हूँ, क्योंकि मेरे जो साइड वाली बिल्डिंग है ना उसमें भी एक बंदा अभी कैंप कर रहा है, तो इसको फिनिश करते मैं सीधा जो है इसके जूते चुरा के और वहां पे जाने की ट्राई करता हूँ। एंड गाइस जैसे मैं यहाँ पे जाने वाला रहता हूँ ना, मुझे उसको साउंड तो आ जाता है, लेकिन भाई ये बंदा बहुत ज्यादा गलत तरीके से नॉक होता है। लाइक मैंने बस ट्राई किया था कि मैं प्री फायर दे देता हूँ और ये प्री फायर में आ जाता है बंदा मेरे, और मैं दो बार उसको छोड़ भी देता हूँ लेकिन फिर भी वो बंदा नॉक हो जाता है, तो बहुत अच्छी बात थी। वरना कैंप अगर कर लेता ना तो यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाती। बाकी मुझे एक चीज जरूर से बताना गाइस, आज में जो है बिल्कुल मतलब डिफरेंट माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड एडिट भी मैंने ये वाला जो गेम प्ले ना वो पूरा अपने पीसी पे रिकॉर्ड किया है, एडिट किया है जो भी है। लाइक आईपैड पे मैंने खेला एंड पीसी पे मैंने जो है रिकॉर्ड किया है इसको, रिकॉर्ड मतलब बोल रहा हूँ एडिट किया है। तो भाई क्वालिटी कैसे आ रही है वीडियो की भी एंड ऑडियो की भी, वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि हाँ भाई क्वालिटी ऐसी आ रही है एंड ऑडियो की क्वालिटी ऐसी आ रही है। बाकी इस बंदे को भी मैं नॉक इजीली दे देता हूँ यहाँ पे। एंड भाई देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप ऐसी जगह पे आते हो ना, स्कूल अपार्टमेंट्स वाली जगह, मिलिट्री बेस वाली जगह, तो यहाँ पे ना बंदों को नॉक करते ही फिनिश करने का ट्राई कर लिया करो, क्योंकि यहाँ पे किल है ना भाई आपको कोई भी चुरा लेता है फटाफट से। तो यहाँ पे थोड़ी सी मुझे लूट करनी पड़ेगी, एक्सटेंडेड वगैरह मेरे पास कम है अभी, तो वो लूट करते हैं। एंड देन देखो स्कूल वाले बंदे हैं ना, उनके पास भी अभी चलना पड़ेगा अपने को। बाकी गाइस देखो स्कूल वाले बंदों के पास जाने से पहले मेरी टीममेट को यहाँ से साउंड आ जाता है कि यार ये वाले कंपाउंड में भी एक बंदा जरूर से है, तो यहाँ पे स्पाइडर वेब जो है अपना काम आने वाला है। एंड मैं पहली बार ट्राई करता हूँ तो मेरे से होता नहीं है, लेकिन ये बंदा देखो भाई गाने गाने में लगा हुआ है। बट एनीवेज बंदे की साउंड आ चुकी है, कमरा मुझे पता ही कौन से कमरे में कैंप कर रहा है, तो चलते इसको देते थोड़ा बूम बम। एंड गाइस देखो जिस हिसाब से उस बंदे ने मुझे टैप फायर देके बुलाया था ना, मुझे लगा था कि यार पूरी स्क्वाड अंदर बैठी हो सकती है, लेकिन ये अकेला बंदा यहाँ पे बैठा हुआ था। अब इसके टीममेट्स या तो मर गए थे या फिर इसे रिकॉल वो कर लेंगे, तो देखते हैं अगले मैच में मुझे मिलता है, अगले मैच में मतलब आगे मैच में मुझे मिलता है या फिर नहीं मिलता है। बट एनीवेज यहाँ पे जो स्कूल अपार्टमेंट्स की जगह है ना हमने पूरी क्लियर कर दी है। बाकी अभी टाइम था ये स्कूल वाले जो एनिमीज थे ना इनको लपेटने का, क्योंकि वहाँ पे तुम जानते हो यार वेब शूटर ना इतने सारे मिलते हैं कि भाई वहाँ पे हॉट ड्रॉप है ना आजकल ज़्यादातर होने ही लग गया है। लाइक लिटरली दो स्क्वाड या तीन स्क्वाड तो है ना वहाँ पे आती आती है। सेम गोज विल मिलिट्री बेस, लाइक मिलिट्री बेस में भी बहुत बंदे आते हैं। पोचिंग की मैं यार इतने ज़्यादा बंदे मैं आजकल नहीं देखता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरा ज़्यादा प्लेन पाथ भी नहीं आता है एंड बंदे भी मैं वहाँ पे बहुत कम देखता हूँ आजकल। बाकी आप क्या सोचते हो कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताना। एंड वो जो पिछले गेम प्ले में बात की थी ना, लाइक वो जो क्या बोलते हैं उसको, लाइक अपना थोड़ा डिले हो रहा था सर्वर वगैरह, तो हमारा जो नेट है वो ठीक से नहीं चल रहा था, वो जो है शायद अभी फिक्स हो चुका है। एक अपडेट आया था 4 MB का 5 MB का, आई डोंट नो किसी ने नोटिस किया नहीं किया, तो हो सकता है उस वाले अपडेट में ये चीज़ फिक्स कर दी है। क्योंकि ये वाला जो पर्टिकुलर एक मैच था ना, इसमें मैंने वो चीज़ है ना जो लैग वाली होती है, सर्वर डिले वाली होती है, वो फेस नहीं की थी। बाकी आपको क्या लगता है मुझे ज़रूर से बता देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है देखो बातें करते करते यहाँ तक तो हम पहुँच गए हैं, लेकिन यहाँ पे आते ही मुझे एक बंदे का साउंड आ चुका है, तो इसको भी थोड़ा सा दे देते एक बार। अब भाई ये बंदा है ना मुझे लिटरली मार सकता था, अगर मैं थोड़ा सा लेट हो जाता या फिर थोड़ा सा ये जल्दी आ जाता है ना, तो यहाँ पे ये पक्का मेरी पीटी डाल सकता था। ऑल्दो मेरा टीममेट मेरे पीछे था, लेकिन उसको चढ़ने में टाइम लगता, उतनी देर में तो भाई मेरी पीटी वहाँ पर पूरी बन जाती। सोया यहाँ पे थोड़ा सा किस्मत हमारी साथ दी जाती कि मैं थोड़ा पहले ही चढ़ चुका था, सोया इस बंदे को तो इजीली निपटा दिया। अब देखो स्कूल में देखना पड़ेगा कि और बंदे हैं या फिर नहीं है। गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा मैंने इस बंदे को अच्छा खासा डैमेज दिया, एक बंदे को तो हेड भी पड़ चुका था, तो लिटरली मेरी एक गोली अगर टच हो जाती ना तो एक बंदा तो मैं उतार देता, लेकिन यार भाग जाते ये लोग और अभी आगे भी हमें नहीं मिलने वाले फिलहाल के लिए। बट देखते यार यहाँ पे अभी और बंदे मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं। ऑल दो वेब शूटर तो मेरे पास है तो मैं लेने वाला नहीं हूँ उसको। अब मेरी टीममेट को पता नहीं क्या खुशी मस्ती उसके पास है ऑलरेडी, फिर भी लेना चाहता है वो। सो यार यहाँ पे चलते थोड़ा सा बंदे बंदे ढूंढते, अभी साथ ही किल हुए अपने, तो देखते कितने किल्स हम और कर पाते इस मैच में।
तो गाइस यार यहाँ से जो है वो गाड़ी अभी गई थी ना उसके पास ही हम जा रहे होते हैं, लेकिन तब भी भाई देखो मुझे है ना इस एंगल से यहाँ पे पड़ने लगती है। तो पहले तो मुझे पता नहीं लगता कि कौन सा एंगल से पड़ी है, लेकिन मेरा टीममेट उस तरफ देख रहा था तो डेफिनेटली वहाँ से ही गोलियाँ हम पे जो है आ रही है। और यहाँ पे ये जो बंदे है ना भाई इनके साथ बहुत ज़्यादा बड़ा स्कैम करने वाला है तुम्हारा भाई, मतलब लिटरली इनको नानी याद दिला देंगे अभी अपन। लेकिन मैंने वहाँ पे भी मार्क कर दिया कि वहाँ पे भी गोलियों का साउंड आ रहा है तो ऑब्वियसली बंदे भी होंगे वहाँ पे। बट अभी मेरी टीममेट ने मुझे कॉल दी कि सबसे पहले भाई इन स्कूल वाले बंदों को देना पड़ेगा, क्योंकि होता है ना भाई हम ईजी जा रहे ओपन में एंड भाई क्या प्रॉब्लम है इन सज्जन को कि हमको मार रहे भाई ओपन में से। तो कोई बात नहीं, इनको भी थोड़ा सा दे देते चल के। एंड यहाँ पर मैं ट्राई करता हूँ ऊपर से चढ़ने की, लेकिन टीममेट बोलता है कि नहीं भाई ऊपर चढ़ेगा तो मैं रिवाइव नहीं दे पाऊंगा अगर नॉक। भाई जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि इन बंदों के साथ बहुत ज़्यादा गलत होने वाला है, बंदे को नॉक फिनिश ही डाल दिया भाई पूरा। ओवर स्मार्ट बन रहा था ना, ऊपर चढ़ के मारेगा अच्छा एंगल लेगा, लेकिन उसकी सज़ा उसको मिल गई। और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ टीममेट को कि भाई एक बंदा इनका डाउन है और ऑलरेडी उनकी फाइट चल रही है, तो यहाँ पे जो है सबसे अच्छी चीज़ रहेगी कि इन पे पुश कर दे। पीछे निकल रहा हूँ अब भाई, देख लो इस बंदे को अभी तक अकल नहीं आई कि इसका बंदा है ना वहाँ पे ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, तो वापस ये क्यों जा रहा है वहाँ पे, इसे अच्छा एंगल भी नहीं मिल सकता था। तो मुझे लगा कि यार ये ऊपर चढ़ने की ट्राई कर रहा था, लेकिन भाई गलती से है ना इसका जाला है ना ये यहाँ पे नीचे वाली जगह पे लग गया। बट एनीवेज इसको भी मैं यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। एंड यहाँ पे जो इसका एक टीममेट है ना वो कहीं पे लेट चुका है जाके, वो तो अभी आगे चल के अपन को पता चलने वाला है, बट मेरा टीममेट उसको लूटने में बिजी हो जाता है। देखो वो जो लास्ट बंदा था वो तो हमें मिला नहीं, लेकिन फिर स्क्वाड हाउस में हम आ जाते हैं और बगी यहाँ पे मिल जाती है मुझे, तो ऑब्वियसली बंदा भी है ऊपर, तो देखते इसको कैसे भरते हैं। बाकी इस बंदे के साथ यार थोड़ा सा गलती होने वाला है, इसको पता भी नहीं लगेगा कि ये मर कैसे गया एक्चुअली में। एंड भाई देखो टू बी ऑनेस्ट यार, देखो लो एंड डिवाइस प्लेयर्स है ना भाई उनके साथ ऐसा ही होता है, लाइक अच्छे डिवाइस वाले हैं ना उनको कभी मार जाते हैं उनको पता भी नहीं चलता है। सपोज करो भाई तुम्हारे पास 30 FPS का डिवाइस है, 20 FPS का डिवाइस है, एंड तुम्हारे सामने आता है बंदा एक 60 FPS वाला, इवन 90 FPS वाला, मतलब 90 FPS तो चलो बहुत ज़्यादा हो गया, इवन भाई 60 FPS वाला जो iOS पे 60 FPS खेल रहा है भाई, वो है ना देखो लो एंड डिवाइस वाले को कभी मार जाएगा उसको लिटरली पता नहीं चलने वाला है। तो सेम चीज़ इस बंदे के साथ हुई, तो यार मैं तो लो एंड डिवाइस प्लेयर को वैसे ही शुरू से रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने भी भाई ऐसे डिवाइसेस पे ही खेला है। एंड आप सभी लोग मुझसे बोलते रहते हो कि भाई हमारा डिवाइस ऐसा है, हमारा डिवाइस ऐसा है, तो भाई देखो सबका एक टाइम होता है जब उनके पास डिवाइस नहीं रहता है, आपके पास भी कभी होगा। बाकी यहाँ पे बंदे थे तो इनको देखो कैसे भरता है, तुम्हारा भाई यहाँ पे बहुत गलत मारने वाला है। तो भाई जैसा कि आपने देखा ये जो फर्स्ट वाला बंदा था ना जिसको मैं अभी फिनिश करने वाला हूँ, ये बंदा भाई पता नहीं वहाँ पे लेटा हुआ क्यों था, इसको कैसे पता था कि मैं यहाँ पे आने वाला हूँ। बाकी गाइस देखो बंदा कितना भी ज्यादा प्रो हो जाए कैंपर से है ना वो बच नहीं सकता है। यहाँ पे मेरी किस्मत अच्छी थी कि यहाँ पे इस बंदे को मैं मार देता हूँ। एंड भाई इसका जो एक टीममेट था ना जो अभी बुला रहा था ये टीममेट को, वो भी यहाँ पे आ जाता है। बाकी गाइस देखो ये जो बंदा है ना मुझे इजीली मार सकता था, क्योंकि मैं पूरा ओपन था एंड उसके पास भाई एक अच्छा हाइट एडवांटेज था, लेकिन फिर भी ये बंदा यहाँ पे थोड़ा सा जो है चोक कर जाता है जिसको मैं यहाँ पे पूरा फिनिश डाल देता हूँ। एंड बाकी गाइस जैसे हम यहाँ से निकलने वाले होते हैं ना, तो इसका जो लास्ट एक बंदा बचा हुआ था ना वो भी यहाँ पे आ जाता है, मेरे टीममेट को दिख जाता है यहाँ पे, तो वो मुझे कॉल देता है कि ये वाली जो जगह है ना यहाँ पे कैंप कर रहा है, तो मैं फ्री फायर भी देता हूँ थोड़ा सा, लेकिन फ्री फायर में वो आता नहीं है। एंड जिस बीच में उनके पास जा रहा होता हूँ ना तो ऊपर चला जाता है यहाँ पे, तो मैं वेब शूटर अपना इस्तेमाल करता हूँ। एंड बाकी आगे की फाइट तुम देखो यार अभी कैसे मारते इस बंदे को। बाहर की साइड भी फता। सो गाइस देखो पहले तो मुझे लगा कि यार ये ऊपर जरूर से सीढ़ियों में कैंप कर रहा होगा, तो मैंने सोचा कि ऊपर से चलते हैं वेब शूटर लेके, लेकिन ये तो बंदा भाई यहीं पे कैंप कर रहा था, तो कोई बात नहीं इसको फिर भी हमने इजीली मार दिया। ऑल्दो थोड़ा सा डैमेज इसने मुझे दे दिया, एंड अगर AKM वगैरह होती ना इसके पास तो हो सकता है भाई मुझे फिनिश भी कर सकता था, क्योंकि उजी थी 25 MO, अगर तुम थोड़ा सा भी हक दिए ना तो वहाँ पे जो है तुम्हारा एनिमी तुम्हें इजीली मार देगा। तो थोड़ा सा हील करते हैं एंड देन निकलते हैं अगले बंदों के लिए। सो गाइस वहाँ से लूट कंप्लीट करके हम यहाँ पे जो है जोन में जा ही रहे होते कि तभी मेरे टीममेट को यहाँ पे दो बंदे ओपन में भागते हुए दिख जाते हैं। एंड
एंड भाई यहाँ पे जो है एक बंदा जो है छुप गया था बगी के पीछे, लेकिन मैंने दिमाग लगाया और बगी के नीचे मैंने मारना शुरू कर दिया एंड इजीली इस बंदे को भी मैं यहाँ पे जो है फिनिश कर देता हूँ। तो दो किल हमारे फ्री के आ जाते हैं यहाँ पे। बाकी इनको थोड़ा सा लूट वूट कर लेते हैं क्योंकि फ्री की लूट भी तो मिलने वाली है ना भाई, तो इनको लूट करते हैं, कॉइन्स वॉइन्स उठाते थोड़ा एंड देन निकलते अगले बंदों के लिए। सो गाइस देखो यहाँ पे इतने सारे बंदों को मारने के बाद हमारे पास जो कॉइन्स है ना भाई उनकी भरमार हो चुकी थी, तो यहाँ पे शॉपिंग हम करने आते हैं एंड उसी बीच भाई जो है बंदे हमें देख लेते हैं एंड हमारी गाड़ी के ऊपर फायर करने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा कि यहाँ पे रुके होंगे कुछ देर के लिए। बट यहाँ पे मैं लूट है ना भाई अपनी रोकता नहीं हूँ, मुझे भाई एक्सटेंडेड चाहिए था यहाँ पे, जो कि मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप लोगों को भी उठा लेना चाहिए क्योंकि कभी कभी होता है ना कि क्लोज रेंज फाइट में हम होते हैं लेकिन एक दो गोली हमारी मिस हो जाती है एंड हम सोचते कि यार एक गोली और होती तो ये बंदा इजिली डेड था यहाँ पे। तो यहाँ पे इस एक्सटेंडेड की वजह से 10 गोलियाँ हमें एक्स्ट्रा मिल जाती है। बाकी इस बंदे की लोकेशन मुझे अभी पता चल चुकी है, ये जो सामने वाला घर है ना आपको भी दिख गया होगा आई गेस अभी तक, तो यहाँ पे ये कैम कर रहा है। तो नेड तो मैं एग्जैक्टली फेंकता हूँ लेकिन भाई ये ग्लिच मेरे साथ हो जाता है, ग्लिच नहीं ऑल दो उस दीवार के भिड़ के जो है मेरे पास ही आ जाता है। तो यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ कि स्क्वाड हाउस पे चलते हैं एंड उसकी छत से जो है थोड़ा सा अच्छा एंगल लेने की ट्राई करेंगे। तो वैसा ही मैं करता हूँ, अब वेब शूटर वाला गेम है, वेब शूटर तुम्हारे पास है तो भाई क्या बात की कमी है, तुम इजीली ऊपर चढ़ सकते हो, कोई सी भी छत तुम्हें पसंद आ रही है सीधा वेब शूटर मारो एंड इजीली इस तरीके से तुम चढ़ सकते हो। बाकी यार यहाँ पे जो है अभी 2 किल तुम्हारा भाई इजीली निकालने वाला है, अब देखो कैसे निकालते हैं अपन ये किल्स। एंड इसी के साथ गाइज यहाँ पे जो है 2 किल हमें इजीली मिल जाते हैं। अब ये जो बंदा है ना भाई जो लास्ट में मैंने जिसको मारा, सोचो भाई तुम वो बंदा इतनी ज़्यादा आईक्यू लगा कि क्या कर रहा है, वो बंदा भाई पहले से वहाँ पे जाके लेट चुका था कि जैसे ही ये बंदे अगर मेरे टीममेट को नॉक करके पुश करेंगे ना मेरे टीममेट पे तो मैं इजीली यहाँ से एंगल बना के उसे मार दूंगा। लेकिन किस्मत भाई की थोड़ी सी ख़राब थी कि मुझे वो पहले से स्पॉट हो चुका था तो इजीली मैंने उसे नॉक यहाँ पे कर दिया। तो 2 किल्स हमारे खाते में और आ जाते हैं। बाकी गाड़ी का टायर हमारा फट चुका है, कोई दिक्कत नहीं, हम चेंज यहाँ पे कर लेते हैं एंड देन निकलते सीधे जोन में और देखते कितने किल्स हम और ले पाते अभी। सो गाइस यार यहाँ पे सर्कल में बहुत ज़्यादा देर घूमने के बाद फाइनली हमें एक स्क्वाड यहाँ पे मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे स्क्वाड में से किल्स मुझे कितने मिलने वाले हैं वो देखने वाली बात रहेगी। बाकी यहाँ पे स्क्वाड आप देख सकते हो। एंड गाइस जैसा कि आप सभी ने देखा तुम्हारे भाई ने यार डैमेज है ना बहुत अच्छा खासा दिया, लाइक सभी बंदों को लिटरली मैंने थोड़ा थोड़ा तो डैमेज दिया होगा, एक दो को तो हेड भी पड़े लेकिन किल है ना भाई तुम्हारे भाई को यहाँ पे एक ही मिला है। तो 21 किल्स हमारे फिलहाल हो चुके हैं एंड मेरे टीममेट ने मुझे बोला कि यार अगर तू मर जाता तो फिर गेम प्ले भी बिगड़ जाता, इसलिए मैंने यहाँ पे ज़रूरी समझा कि थोड़ा बहुत इनको मार दूँ ताकि वो जो है फिनिश ना कर पाए तुझे। तो यार इसकी बात भी सही थी तो मैं यहाँ पे उसको ज़्यादा कुछ बोलता नहीं हूँ। बाकी थोड़ी सी लूट हम उठाते हैं और हमारी भी गाड़ी फूट चुकी है पूरी, तो इनकी जो जली हुई गाड़ी है ना उसी में हम जाना भी पसंद करेंगे फिलहाल। तो निकलते हैं यहाँ से और ये जो 7 बंदे बचे हुए हैं ना, 7 में से 2 हम हैं तो 5 बंदे बचे हुए हैं, तो देखते ही किसके खाते में जाते हैं यहाँ पे। सो गाइस यार पूरा जोन घूमने के बाद फाइनली ये जगह ऐसी मिलती है जहाँ पे एक गाड़ी खड़ी होती है, और गाड़ी खड़ी है इसका मतलब बंदे भी यहाँ पे होने वाले हैं। एंड गाइज यहाँ पे मरते मरते तो कहना भाई मैं ये किल जो है ले लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे फाइनली हमारा चिकन डिनर है ना वो हो चुका है एंड यहाँ पे 23 किल्स हमारे टोटल हो चुके हैं। अगर वो किल्स हमें और मिल जाते तो अराउंड हमारे जो है 25 या 26 किल्स तक हो जाते। बट एनीवेज मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइज, कीप ग्राइंडिंग।